लिए हमने आपको कॉल किया, आपका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अपनी ट्रेड यूनियन की तरफ से, टेलीविज़नों का जो मसला है, जो PHE PDD बाकी डिपार्टमेंट के जितने भी टेलीविज़न हैं वो आज करने पे बैठे हैं, सड़कों पे हैं, और उनकी एक ही डिमांड है कि ना उनको रेगुलराइज किया जा रहा है और ना सैलरी उनको प्रॉपर मिल रही है। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, जो गवर्नमेंट ने पिछले दिनों पे ये एक ऐलान किया था PDD के डेलीविजरों के लिए कि हम 12,000 PDD को जल्दी से जल्दी परमानेंट करेंगे, अभी तक उनमें से सिर्फ 500 PDD के मुलाजम जो हैं वो कन्फर्म हुए हैं आज तक, और PHE के 20,000 हमारे डेलीविजर जम्मू के हैं और 8-9,000 के करीब श्रीनगर के हैं, जिनमें से अभी तक कोई परमानेंट नहीं हुआ है। हम आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनसे इनको जल्दी से जल्दी रेगुलराइज किया जाए, ताकि ये भी बेचारे अपना जीवन जो है अच्छी तरह से बिता सकें, और इनकी जो पेंडिंग सैलरी है 72 महीने की 2015 से लेके 2018 तक जो इनकी पेंडिंग सैलरी है वो इनको दी जाए, और जो 2018 के बाद जो रेगुलर सैलरी इनको दी जा रही है, हम चाहते हैं कि वो भी इनको जो पेंडिंग सैलरी है वो भी सबकी दी जाए, ताकि उनके जो अखराजात हैं वो पूरे हों और वो सड़कों पे ना बैठें। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी ऑर्डर किया जाए, जो गवर्नमेंट ने फैसला किया था 12,000 लोग हम जल्दी से जल्दी परमानेंट करेंगे PDD के, अभी तक उनमें से 500 परमानेंट हुए हैं, वो भी इन दिन मेरे ख्याल मुझे लगता है कि उन्होंने भी 2-4 दिन पहले थ्रेड दे दी है कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कि हम भी धरने में बैठेंगे उनके साथ, और हम अपनी पार्टी की तरफ से ये उनको भरोसा दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं। PDD के डेलीविज़र हों, PHE के डेलीविज़र कोई भी हो, मुलाजम कोई भी हो, अपनी पार्टी के ट्रेड विंग जो है वो उनका साथ देती है और आगे भी देती रहेगी, उनकी टाइम टू टाइम आवाज़ उठाती है। हम अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी साहब का वेलकम करते हैं, जिन्होंने ये बोला है कि अगर हमारी हुकूमत सियासत में आएगी, अपने हुकूमत हमारी पार्टी बनाएगी, तो हम उनको 61 दिन में परमानेंट करेंगे, ये हमारा वादा है। हम उस बुखारी साहब के इस बयान को हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बुखारी साहब जो बोलेंगे वो करेंगे, और हमारी पार्टी टाइम टू टाइम इन मसलों को उठाती है। हमारे सीनियर लीडर जितने भी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके ऊपर अपना प्रेसिडेंट तक, टाइम टू टाइम हमारी आवाज़ डेलीविज़नों की आवाज़ उठाते हैं, जिससे कि डेलीविज़नों में भी ये पता लगता है कि डेलीविज़न भी बोलते हैं कि नहीं कि अपनी पार्टी ही आवाज़ उठाती है, हमने किसी से सर्टिफिकेट नहीं लिया, हमारा दायित्व बनता है कि हम ये आवाज़ डेलीविज़नों की आवाज़ उठाएँ और ताकि इनके मसले गवर्नमेंट से हल करवाएँ। हमारी पार्टी टाइम टू टाइम गवर्नर साहब से भी मिलकर इनकी आवाज़ उठाई है और आगे भी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे।